हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वात्सल्य। आज हम बनाएंगे विदाउट अनियन और गार्लिक के सबकी फेवरेट सब्जी, पनीर की सब्जी। इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये इतना सा पनीर काट के अच्छे से पहले गर्म पानी में वॉश किया है। उसके बाद इस तरीके से इसके क्यूब काट लिए हैं। इसमें हमने थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डालना है। इसको हमने इस तरीके से इसको सब में मिला देना है। ये सारा मसाला पनीर के हर क्यूब में कोट हो गया है। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल जो है वो गरम कर लिया है। अब इसमें इस तरीके से हमने पनीर को थोड़ा सा सॉटे करना है। इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। इसको बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। ये देखिए पनीर जो है वो हमने हाई फ्लेम पर थोड़ा सा सॉटे कर लिया है। इस तरीके से पनीर को सॉटे करने से पनीर का टेस्ट बढ़ जाता है। ऐसे तो हम कई बार कच्चा भी डाल देते हैं, लेकिन इस तरीके से बना के थोड़ा सा टेस्टी हो जाती है हमारी सब्जी। अब हमने ये पनीर जो है इसको थोड़ा सा सॉटे करके निकाल लिया है। अब हमने इसको तड़के के लिए इसका मसाला तैयार करना है। इसमें मैंने उतना सा ही ऑयल लिया है जो मैंने वो 2 टेबलस्पून ऑयल इसको सॉटे करने के लिए लिया था, उसी ऑयल में इसका तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए हमने ये तेल गरम है इसमें हमने डाल देना है थोड़ा सा जीरा, जीरा हमारा थोड़ा सा भुन जाएगा। उसके बाद डालेंगे हम इसमें, ये मैंने धनिया जो है वो थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड करके रखा हुआ है। हमने इस टाइम जो है वो गैस जो है बिल्कुल स्लो पर रखनी है, जिससे कि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। इसके बाद डालेंगे हम रेड चिल्ली पाउडर। अगर इसको हम लोग इस टाइम पर डाल देंगे तो सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद डालूंगी मैंने ये 3 टमाटोज़ की प्यूरी बना के रखी है, ये डाल दी टमाटोज की प्यूरी। इसको अच्छे से हमने चला लेना है। इसमें डालेंगे हम टर्मरिक पाउडर, इस तरीके से हमने इसको तब तक चलाना है जब तक कि ये मसाला जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू न कर दे। इस टाइम पर आप चाहें तो इसमें चिल्ली जो है वो ग्रीन भी डाल सकते हैं। चिल्ली जो है वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये मसाला हमारा जो है स्लो आंच पर हमने, स्लो फ्लेम पर इसको हमने पकाना है, जिससे कि ये सारा पक जाए। अगर हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो जो टमेटोज होते हैं वो कच्चे रह जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जब खाने लगते हैं तो टमेटोज की कच्ची स्मेल जो आती है वो सब्जी में अच्छी नहीं लगती है। इस टाइम हम इसको ढककर रख देंगे। ये हमने इसको ढककर रख दिया। आप इसको बीच बीच में चलाकर देखते रहिएगा। इस टाइम ये मसाला पक रहा है, हम लोग इसमें तेज पत्ता भी डाल सकते हैं।
इसको आप जब ऑयल फ्राई कर रहे थे, हम लोग जब मसाले फ्राई कर रहे थे उस टाइम भी डाल सकते हैं। अगर आप इस टाइम भी डालेंगे तो ये अच्छी खुशबू देगा। इसी टाइम हमने ये जो है इसके मसाले, इलायची ली है हमने, दो इलायची ली है, दो मैंने इसमें लौंग डाले हैं और एक बड़ी इलायची डाली है, इनको पीसकर हमने इसमें डाल देना है। ये मैंने खड़े मसाले पीस लिए हैं। अब इसमें से मैं ये जो इसके ऊपर वाला पार्ट होता है छिलके वाला, इसको निकाल लूँगी, क्योंकि इसको तो ऐसे भी खाते टाइम मुँह में जब आते हैं तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं। अब ये जो मसाले हैं इस टाइम हमने डाल देने हैं। इस टाइम डालने से क्या होता है कि ये मसाले जलते नहीं हैं। अगर हम इनको शुरू में डालते हैं तो ये मसाले कई बार तेल गर्म होने की वजह से जल जाते हैं और अच्छा टेस्ट नहीं दे पाते हैं। अब इसके बाद ये थोड़ा सा, इतना सा मैंने अदरक ग्रेट कर लिया है, इसको डाल देंगे, क्योंकि ये जब हम विदाउट अनियन और गार्लिक के कोई भी सब्जी बनाते हैं उसमें जिंजर डालना थोड़ा सा ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसको हमने अभी थोड़ी देर और चलाना है। ये देखिए इस मसाले ने बिल्कुल ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हम तो इसको बहुत ही कम तेल में बना रहे हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या किसी पार्टी के लिए इसको बना रहे हैं तो इसमें इस टाइम आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। बटर डालने से थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये इसमें अब हम डाल देंगे, ये घर की मलाई है जिसको क्रीम आप बोल सकते हो, ये मैंने फेंट के रखी हुई थी। इसको इसमें अच्छे से चला देते हैं। जब हमने क्रीम डालनी है तो इसको कॉन्टीन्यूसली चलाते रहना है। इसकी फ्लेम इस टाइम आप हाई कर सकते हैं। अब हमने इसमें डाल देनी है थोड़ी सी ब्लैक पेपर। चिली जो है आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। पनीर में ऐसे भी ब्लैक पेपर का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छे से आता है। अब इसको, ये जो क्रीम है इसको भी हमने अच्छे से चला लेना है, जिससे कि ये अच्छे से इसमें भून जाए। इस टाइम मैंने फ्लेम जो है वो हाई रखी हुई है, लेकिन हाई फ्लेम पर इसको कॉन्टीन्यूसली स्टर करना है। कई बार क्या होता है जब हमारे घर में पार्टी हो या किसी कोई फंक्शन हमने रखा हो तो सब लोगों के लिए खाना बनाने के लिए हम लोग इस तरीके से सब्जी बना सकते हैं, क्योंकि कई लोग बिल्कुल भी अनियन और गार्लिक को पसंद नहीं करते हैं और पनीर जो है वो सबका फेवरेट होता है, तो अगर पनीर को हम इस तरीके से बनाएं तो इसको सब खा सकते हैं। और कई बार क्या होता है जब हम फास्ट होते हैं, नवरात्रे के फास्ट या कुछ, उस टाइम भी ऐसा वाला पनीर बना के हम विदाउट अनियन गार्लिक का बना के हम खा सकते हैं। अब ये जो है, ये देखिए ये मलाई जो है, क्रीम जो है हमारी अच्छे से भून चुकी है। ये भी देखिए पैन को अपने आप ही छोड़ रही है। ऑयल हमारा बहुत कम है इसलिए इसमें हमें ये ऑयल कैसे इसने रिलीज़ किया है वो दिखाई नहीं देगा। अब हमने इसमें डाल देना है थोड़ा सा गरम पानी। ये डाल दिया हमने गरम पानी। अब इस गरम पानी में भी हम लोगों ने एक बॉयल आने देना है। अब इस टाइम डालेंगे हम सॉल्ट
सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। गरम मसाला, गरम मसाला भी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे हम लोग, क्योंकि हमने खड़े मसाले पहले भी डाले थे। और ऐसे भी हर एक सब्ज़ी में अगर हम मसाले थोड़ा सा लिमिटेड से यूज़ करें तो सब्ज़ी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, अदरवाइज़ सारा टेस्ट फिर मसालों का ही आता है। अब ये देखिए, ये अच्छे से हो गई है इसकी ग्रेवी तैयार। अब हम डाल देंगे इसमें पनीर। ये हमने पनीर डाल दिया है। अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर। अगर दालचीनी का पाउडर ऐसे ऊपर से स्प्रिंकल करके डालते हैं तो इसका टेस्ट जो है और इसकी खुशबू जो है पनीर में बहुत अच्छी आती है। और दालचीनी का पाउडर हमने हमेशा पनीर के लास्ट में ही डालना है। इसको अगर हम मसालों के बीच में डाल देते हैं तो ये सारा भुन जाता है और इसका टेस्ट जो है वो अच्छे से पनीर में नहीं आ पाता है। अब इसमें डाल देंगे हम लोग थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी भी घर में सुखा के रखी हुई है, घर की बनी हुई है। इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे। ये देखिए, विदाउट अनियन और गार्लिक के कितना ग्रेवी वाला और कितना टेस्टी ये पनीर लग रहा है, बनके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सर्व करने से पहले इसमें ये जो हमने तेज पत्ता डाला है इसको निकाल लेते हैं। अगर आपने इसके साथ ही इसको सर्व करना है तो यू कैन सर्व इट विद दीज लीव्स। और इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया। गैस कर दी हमने ऑफ। ये देखिए, ग्रेवी वाला विदाउट अनियन और गार्लिक के टेस्टी पनीर बनके तैयार है। इसको आप बनाइए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।